नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में BAMETI ने 1041 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को लगा तगड़ा झटका। दो दिन बाद प्रदेश में होगी बारिश। 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरूरी काम। इस दिन से शुरू होगा IPL 2023। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में BAMETI ने 1041 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है। बता दें कि इस भर्ती के जरिए कुल 1041 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार dbtagriculture.bihar.gov.in पर विजिट कर या www.bameti.org के एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि सभी पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। कैंडिडेट आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर चेक कर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को लगा तगड़ा झटका। विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिहार में बिजली के उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका मिला है, क्योंकि अब बिजली बिल के दाम बिहार में बढ़ने जा रहे हैं। दरअसल बिजली बिल बढ़ने की घोषणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई है। बता दें कि यह घोषणा इसी आयोग के चेयरमैन शिशिर सिन्हा द्वारा बीते दिन पटना में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 24.10% की बढ़ोतरी आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई है। बढ़े इन बिजली दरों के हिसाब से अब विद्युत उपभोक्ताओं का खर्च पहले के मुकाबले 1.25 गुना अधिक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनियों के द्वारा 53.62% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली बिल फिक्स्ड चार्ज में भी 2 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी का फैसला सुनाया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कुमार सत्यम के बारे में। कुमार सत्यम भारत के गायक, संगीतकार, संगीत कलाकार और गुजेल वोकल हैं। वह वर्तमान में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल है। वह सोशल मीडिया पर बहुत प्रसिद्ध है। उनके म्यूजिक वीडियो के लाखों व्यूज हैं। वह कुमार सत्यम नाम के एक यूट्यूब चैनल के मालिक है। वह गजल, शास्त्रीय भजन, ठुमरी और कव्वाली गाते हैं। अपनी गजल अमीर नई के बाद वह सोशल मीडिया पर छा गए। कुमार एक स्टेज परफॉर्मर है और एक म्यूजिक बैंड के मालिक है। उन्होंने अनूप जलोटा जैसे कई कलाकारों के साथ परफॉर्म किया। उनके यूट्यूब चैनल पर 500K से अधिक सब्सक्राइबर है। बता दें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कई मशहूर कलाकारों के साथ काम किया है। वह वर्तमान में संगीत उद्योग में सबसे प्रसिद्ध गजल गायकों में से एक हैं। 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरूरी काम। 31 मार्च आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आपको कुछ ऐसे जरूरी कामों को 31 मार्च तक पूरा करना होगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि आप अपने पैन और आधार कार्ड को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बदले आपको शुल्क के रूप में 10,000 रुपये देने पड़ सकते हैं और पैन आधार को लिंक करवाना होगा। इसके साथ ही मार्केट रेगुलर सेबी ने निवेशकों से 31 मार्च तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन के कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने की स्थिति में पोर्टफोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है। अगर आप इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे साल मिनिमम राशि नहीं निवेश की है, तो इस काम को 31 मार्च से पहले निपटा दे। ऐसा न करने की स्थिति में आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आप 60 वर्ष की आयु में पेंशन पाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में डेडलाइन से पहले निवेश कर सकते हैं। फर्जी शिक्षक मामले में पटना हाई कोर्ट का अहम निर्देश। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में फर्जी डिग्रियों पर शिक्षक की बहाली को लेकर रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के सामने राज्य सरकार व निगरानी विभाग के द्वारा पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में 77,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका फोल्डर नहीं मिल पा रहा है। जिसके बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे अगली सुनवाई तक उन सभी कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें जो उनके द्वारा अब तक पूरा किया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। 10 दिन में इतने रुपए देकर कराए जमीन की मापी।
बिहार के लोगों के लिए अब जमीन की मापी बहुत ही आसान होने वाली है। बता दें कि अब बिहार के लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन देकर भूमि मापी के लिए तत्काल बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को शुल्क के रूप में सामान्य मापी से अधिक देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मापी के लिए अधिकतम 10 दिन निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इस नई व्यवस्था के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अगर बात शहरी क्षेत्रों की करें तो उसके लिए प्रति खेसरा 1,000 रुपए निर्धारित किया गया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति खेसरा मापी की दर 500 रुपए निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अब एक साथ 4 खेसरा की मापी कराई जा सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामशिला पहाड़ी के बारे में। गया के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामशिला हिल को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान राम ने पहाड़ी पर पिंडा की पेशकश की थी। पहाड़ी का नाम भगवान राम से जुड़ा है। प्राचीन काल से संबंधित कई पत्थर की मूर्तियां पहाड़ी के आसपास और आसपास के स्थानों पर देखी जा सकती है, जो कि बहुत पहले के समय से कुछ पूर्व संरचनाओं या मंदिरों के अस्तित्व का सुझाव देती है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर जिसे रामेश्वरा या पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है, मूल रूप से 1014 AD में बनाया गया था, लेकिन सफल अवधि में कई बहाली और मरम्मत से गुजरा। मंदिर के सामने हिंदू भक्तों द्वारा अपने पूर्वजों के लिए पितृ पक्ष के दौरान पिंड चढ़ाया जाता है। बिहार विधानसभा में दाखिल खारिज पर हुआ हंगामा। बीते दिन बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा दाखिल खारिज में भारी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी को लेकर सवाल उठाया गया। बता दें कि इस दौरान सदन में काफी शोरगुल रहा। वहीं सरकार की ओर से राजस्व मंत्री आलोक मेहता के द्वारा अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा गया कि राज्य के अंदर दाखिल खारिज के लंबित मामले का 3 महीने के अंदर निपटारा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी विधायक के पास दाखिल खारिज को लेकर रिश्वत की मांग की कोई शिकायत आती है तो वो शिकायत हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े मुद्दे पर उठे इस अफवाह पर ध्यान न दे और केवल ठोस सबूत लाए ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। वहीं विपक्ष की ओर से स्पीकर से मांग करते हुए कहा गया कि दाखिल खारिज से जुड़े मामले की जांच कमेटी बनाकर करवाई जाए। बिहार के सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बहुत जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई सुविधा मिलने वाली है। बता दें कि अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच और किडनी, लिवर और कैंसर सहित सभी प्रकार की जटिल सर्जरी मशीन और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से की जाएगी। हालांकि यह सुविधा अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के 5 अस्पतालों में ही उपलब्ध करवाया गया है। बता दें कि राज्य के जिन 5 अस्पतालों में सुविधा को उपलब्ध करवाया गया है उनमें सदर अस्पताल वैशाली, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना मेडिकल कॉलेज और वैशाली जिला का राघोपुर अस्पताल के नाम शामिल हैं। इन सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है। मालूम हो कि अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होने से किसी भी प्रकार की सर्जरी को बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकेगा। SBI ग्राहक के अकाउंट से कट रहे इतने पैसे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिन ग्राहकों का अकाउंट है उन्हें हाल में ही एक नोटिफिकेशन मिला है। अचानक एक नोटिफिकेशन के जरिए यह पता चला कि 206 रुपए और 5 पैसे बिना किसी ऑथोराइजेशन के, यानी आपके सहमति के बिना ही अकाउंट से काट लिए गए। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि बैंक मेंटेनेंस फीस यानी सर्विस चार्ज के रूप में हर भारतीय बैंक अकाउंट होल्डर से यानी बैंक ग्राहक से उनके पास मौजूद ATM और डेबिट कार्ड के लिए चार्ज लेता है। 3 अलग अलग तरह के अमाउंट जैसे 147.5 रुपए, तो 206.5 रुपए या फिर 295 रुपए भारतीय स्टेट बैंक आपके कार्ड के आधार पर काट लेता है। इस सर्विस चार्ज को पे उन लोगों को करना पड़ता है जो युवा गोल्ड कॉम्बो माई कार्ड डेबिट या ATM जैसे कार्ड रखते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को SBI में दिए गए इन कार्ड का सालाना चार्ज देना पड़ेगा, अर्थात इस चार्ज को आपके बैंक अकाउंट से SBI खुद ही काट लेती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी रिमांड। तमिलनाडु मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड अब 3 दिनों के लिए और बढ़ गई है, यानी कि अब EOU की टीम के द्वारा मनीष कश्यप से 3 दिन और पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बीते दिन बिहार के कई जिलों में लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बता दें कई जगह ऐसा माहौल बन गया कि प्रशासन की ओर से विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा गया और फिर सड़कों पर लगे जाम पर नियंत्रण पाया गया। दरअसल बीते दिन चल रही मीडिया खबरों के अनुसार बिहार की राजधानी पटना, शेखपुरा, वैशाली, बेतिया, जहानाबाद, नालंदा समेत कई शहरों में मनीष कश्यप के समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया
और सड़कों को जाम किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मालूम हो कि बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की का माहौल बन गया। इसके साथ ही जहानाबाद में समर्थकों के द्वारा NH 83 को जाम किया गया और इस मामले की जाँच CBI से करने की मांग की गई। वहीं नालंदा में भी समर्थकों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विजिलेंस टीम ने चकबंदी अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। इन दिनों निगरानी विभाग के द्वारा लगातार बिहार के वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो घूस लेते पकड़े जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला रोहतास के विक्रमगंज स्थित चकबंदी कार्यालय का है, जहां विजिलेंस के टीम के द्वारा छापेमारी कर एक घूसखोर अधिकारी को 10,000 रूपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि गिरफ्तार किए गए घूसखोर अधिकारी की पहचान चकबंदी अधिकारी सुशील कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस की टीम के द्वारा चकबंदी अधिकारी समेत एक और युवक की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान अजीत कुमार के रूप में की गई है। इन दोनों युवकों को विजिलेंस की टीम अपने साथ बिहार की राजधानी पटना लेकर चली आई है। इसके साथ ही विजिलेंस की टीम के द्वारा 10,000 रूपए भी बरामद कर लिए गए हैं, जो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा रिश्वत के रूप में लिए जा रहे थे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में आगजनी रोकने को मिलेंगी कई सुविधाएं। बिहार में गर्मी के दिनों में लगने वाले आओ को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सभी जिलों और पंचायती राज विभाग को एक पत्र भेज यह जानकारी दी गई है कि आगजनी को रोका जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके, इसके लिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में फायर बूथ का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही निर्देश देते हुए पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी जिलों में आगजनी से राहत और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। बता दें ग्रामीण इलाकों में निर्माण होने वाले फायर बूथ पर फायर बीटर्स, फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी, कुल्हाड़ी सहित वे सभी छोटे छोटे अग्निशमन यंत्र मौजूद होंगे, जिससे आगजनी पर रोक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा जिलों के उन ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी समय लगता है। इन स्थानों पर आग बुझाने की अलग से तैयारी की जाएगी। आज जहानाबाद जिले के परसबिगहा में रोजगार मेले का होगा आयोजन। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज यानी कि 24 मार्च को जहानाबाद जिले के गवर्नमेंट ITI कॉलेज परसबिगहा में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस रोजगार मेले में सुबह 9:30 बजे से लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसका परिणाम परीक्षा के तुरंत बाद ही घोषित कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा के वक्त ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मालूम हो कि इस रोजगार मेले में कुल 500 से ज्यादा रिक्तियां हैं। उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने सभी स्कूल और ITI प्रमाण पत्र की मूल कॉपी और 5 फोटो कॉपी साथ लेकर जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को COVID-19 गाइडलाइन के तहत मास्क पहनना भी जरूरी है। 2 दिन बाद प्रदेश में होगी बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अब लोगों को तेज बारिश से राहत मिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। हालांकि विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि यह गर्मी 2 दिनों तक ही रहने वाली है। 24 और 25 मार्च को प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहने वाला है। इस दिन लोगों को हल्की धूप जरूर मिलेगी, लेकिन उसके प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 26 मार्च और 27 मार्च को प्रदेश में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान प्रदेश के उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पूर्व के भागों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मरने वाले 18,999 लोगों में 14,268 लोगों को मिला अनुदान। राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 18,999 है। वहीं सभी मरने वाले लोगों को लेकर सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि मरने वाले सभी लोगों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा, जिसके बाद अब तक किए गए घोषणा के अनुसार 14,268 लोगों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा चुका है। लेकिन अभी राज्य में 4,731 लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया गया है और इनका मामला अब भी सरकारी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। बता दें कि लोगों को अनुदान मिल सके इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जिलावार तरीके से एक टीम का भी गठन किया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी ने कहा ये
बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी के द्वारा अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया गया। इस दौरान उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी ने बिहार जैसे प्रदेश को पूरे भाजपा के संगठन को आगे बढ़ाने का जो दायित्व मुझे दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ साथ पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बता दें कि सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, शाहनवाज हुसैन समेत कई मंत्रियों के द्वारा शुभकामनाएं दी गयी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बनी रणनीति। बीते दिन विधानसभा सेंट्रल हॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अध्यक्षता में वहां गठबंधन के विधान मंडल सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सातों घटक दलों के विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा एक रणनीति बनाई गई। हालांकि बीते दिन हुए इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा के 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर जेडीयू के द्वारा पुराने उम्मीदवारों यानी कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य वीरेंद्र नारायण, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संजीव कुमार सिंह और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह पर ही भरोसा जताया गया है। वहीं अगर बात करें गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में तो वहां से महागठबंधन सरकार की ओर से जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह को उतारा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मानहानि मुकदमे और जेपीसी गठन की मांग पर किया हंगामा। गुरुवार के दिन जेपीसी गठन करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अदानी मामले में बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर उतर गए। सड़क पर उतरते ही उन्होंने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, विधायक प्रतिमा कुमारी सहित कई नेता इस दौरान मौजूद दिखे। इस मामले के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी को लेकर मानहानि के मुकदमे में जो फैसला आया है उसे लेकर भी उनमें काफी रोष देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर कोर्ट को प्रभावित कर रही है, साथ ही साथ कुछ से कुछ फैसले कोर्ट से दिलवा रही है। राहुल गांधी को 2 साल की मिली सजा पर सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया। बीते दिन कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को सूरत की एक सेंसस कोर्ट के द्वारा मानहानि के एक मुकदमे पर आईपीसी के धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुना दी गई है। हालांकि सजा की घोषणा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें गैर संज्ञेय अपराध होने के कारण 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। दरअसल वर्ष 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी दी गई थी। वहीं अब राहुल गांधी को मिले 2 साल की सजा पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा चुनाव से पहले मोदी छोड़ है का बयान दिया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला का दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरत जिला अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है, वैसे ही सभी अदालतों के द्वारा उन्हें सजा सुनाई जानी चाहिए। शुरू होगा आईपीएल 2023। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च से बड़े ही धमाकेदार अंदाज से होने वाली है। बता दें कि सीजन का पहला मैच गुजरात जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि आईपीएल 2023 का आखिरी मुकाबला 21 मई को खेला जाएगा। मालूम हो कि आईपीएल का 16वां सीजन 12 जगहों पर खेला जाएगा, जिसमें कुल 70 मैच खेले जाएंगे। वहीं 70 मैचों में 18 डबल हेडर शामिल होंगे। बता दें कि आईपीएल के ये सभी मैच जिन 12 स्थानों पर खेले जाएंगे उनमें अहमदाबाद, मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और धर्मशाला के स्टेडियम शामिल है। आईपीएल 2023 सीजन के मैच दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे, जिसमें कुल 10 टीमें शामिल होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कोलकाता से आगरा के बीच 1855 में पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश प्रेषित किया गया। घातक संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान 1882 में आज के दिन ही हुई थी। इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक को बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मुरारजी देसाई 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। भारतीय सेना ने 1990 में श्रीलंका छोड़कर स्वदेश वापसी की। संगीतकार और कवि मुथुस्वामी दीक्षित का 1775 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्रसेवी हरिभाव उपाध्याय का 1892 में जन्म हुआ। भारतीय हॉकी खिलाड़ी एंड्रिया डिसूजा का 1984 में जन्म हुआ। आज के दिन को ही ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, विश्व तपेदिक दिवस और विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे इंडेन
गैस एजेंसी की डीलरशिप के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडेन गैस एजेंसी की डीलरशिप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि आईओसीएल के नाम से जारी एक फर्जी पत्र में इंडेन गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए पूर्व अनुमोदन देने का दावा किया जा रहा है और केवाईसी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इंडियन ऑयलसीएल ने यह पत्र जारी नहीं किया है। प्रामाणिक जानकारी के लिए कृपया iocl.com पर जाएं। इस तरीके से अब डेस्कटॉप पर करें व्हाट्सएप वीडियो या ऑडियो कॉल। अगर आप भी डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो या ऑडियो कॉल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही के एक ब्लॉग पोस्ट में मेटा ने कहा है कि विंडोज वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को एक नए फीचर्स के साथ नया लुक मिला है। मेटा ने कहा कि हम विंडोज के लिए एक नया व्हाट्सएप ऐप पेश कर रहे हैं जो तेजी से लोड होगा और ऐप के मोबाइल वर्जन के समान इंटरफेस के साथ आएगा। डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो या ऑडियो कॉल करने की सुविधा अपडेट के साथ अवेलेबल है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको डेस्कटॉप व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल इंटरफेस की तरह ही वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का आइकन दिखाई देने लगेगा। को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। देश में एक बार फिर से कोरोना से जुड़े केसों का मामला बढ़ते जा रहा है। बता दें कि इसी को लेकर बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि देश भर में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 7,600 हैं। वहीं अगर रोजाना कोरोना से जुड़े मामलों के सामने आने की बात करें तो रोजाना औसतन 966 मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूरे विश्व में कोरोना से जुड़े 94,000 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि हमारे देश से विश्व के 1% मामले आ रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका और रूस से 19% और 12.6% मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश के जिन 8 राज्यों से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नाम शामिल हैं। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एचके मल्होत्रा, सुधीर कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, स्वर्णेश्वर कुमार, अतीक खान, लक्ष्मी ठाकुर, पवन सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, उदय कुमार पासवान, आरब पटेल, अनवर करीम खान, सदुल्ला पलवी, अभिषेक राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।